वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि आपके होने वाले आईसीएसई क्लास 10 2024 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनसे आपके बोर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कह लो कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनसे ही आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पेंटल देखें और जो भी क्वेश्चन पेपर आज आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करके जाएँ। 100% आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ अगर उन पेपर्स को आप सॉल्व करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं इन क्वेश्चन पेपर को आपको बताने वाला हूँ और इन क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जो कि है मैथ एक्सिस 2024, जिस पर आपको डेली मैथ्स के टास्क दिए जा रहे हैं जिनको अगर आप डे बाई डे फॉलो करते हो तो 100% आप अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी सब्जेक्ट्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी आप ज़रूर रिवाइज करें, ठीक है। तो देखो करना क्या है, जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा इसका जो क्वेश्चन पेपर है आपके स्कूल के द्वारा बनाया जाता है। और इस क्वेश्चन पेपर को जो आपके टीचर्स होते हैं ज़्यादातर या तो पीवाईक्यूज से दे रहे होते हैं, यानी पीवाईक्यू पे के क्वेश्चंस उन पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, 7 to 8 ईयर्स का सभी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के ही आपको अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप देने जा रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट में 7 to 8 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 7 to 8 आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 3 साल का तो आपको करके जाना ही जाना चाहिए। अपने एग्जाम मानो कल आपका प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड मैथ्स का है, तो कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रिवाइज अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। देन दूसरा है आपका, जो भी आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स, उनको आप ज़रूर फॉलो करें, इनको आप करके जाएँ, सभी साल के करके जाएँ। जैसे 2023 का कर लो आप, 2024 का कर लो, 2019-20 का करो, 2019 का कर लो, इन 4 साल का सभी सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लो। और ये आपका सिर्फ प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड्स में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इन सिंपल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पेपर के जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं कभी कभी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन को आप करके जाओ, अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने कह लो होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छा कर देगा। तो इनको आप डाउनलोड कर लें। अगर आप इन सिंपल क्वेश्चन पेपर को, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में कह लो ये आपका सबसे बड़ा वीपन हो सकता है अपने प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, और इनको कर लो आप, ये बोर्ड में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देन जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने अपने चैनल पे ML अग्रवाल एंड सेलिना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।